नमस्कार दोस्तों, मैं काफ़ी समय के बाद इस होटल के वीडियो को लेके फिर आपके सामने आया हूँ। जो हमारे इसमें न्यू ऑप्शंस, न्यू फीचर्स हमने अवेलेबल कराए हैं, मैं उसके बारे में बताऊँगा। और जो हमारे लेटेस्ट चल रहे हैं, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊँगा कि जो हमारे साथ न्यू कस्टमर्स जुड़ रहे हैं, जो कि आज के हमारे इंडिया में हमें बहुत बेस्ट रिस्पॉन्स मिल रहा है होटल के सॉफ्टवेयर के लिए, और सभी की तरफ से बहुत बढ़िया रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग बेटर से बेटर सर्विस देने की कोशिश में हैं कि बेटर से बेटर सर्विस अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करें। और ध्यान रखिए कि हमारी और अदर कोई ब्रांचेस नहीं है, ये DSO सॉफ्टवेयर का ही प्रोडक्ट है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको गाइड करता हूँ कि हमारे सॉफ्टवेयर में पहले चेक इन कैसे करते हैं। कोई भी कस्टमर आता है तो हमने उसका चेक इन फॉर्म कैसे फिलअप करना है। सो देखिए, यहाँ पे हमने चेक इन पे क्लिक किया। चेक इन आप देख रहे हैं, चेक इन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये फॉर्म ओपन हो जाता है। ये फॉर्म ओपन होने के बाद हमारा क्या है कि हमारे पास ऐड न्यू गेस्ट का फीचर है। ऐड न्यू गेस्ट में जो भी डिटेल्स हमने लिखनी है वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। सपोज कीजिए मैं एक नेम फिल करता हूँ एज एग्जाम्पल, मैं किसी के भी डिटेल फिल कर सकता हूँ। कंपनी, समटाइम कंपनी से कस्टमर्स आपके पास आते हैं, जैसे लाइक एग्जांपल किसी बैंक से आते हैं, HDFC बैंक हो गया एग्जांपल। एड्रेस उनका, कंट्री, कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर का यहाँ पे फीचर्स आपको पता ही है कि जैसे आप किसी भी कस्टमर का जिसका भी यहाँ पे आप नंबर नोट करते हैं, उनको साथ साथ ही चेक इन चेकआउट रिजर्वेशन का मैसेज भी चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि उनको मेल भी चली जाए तो उनको इस पे ही हार्ड कॉपी देने के बजाय उनको सॉफ्ट कॉपी जो है वो मेल ही चली जाएगी। आप आधार कार्ड ले रहे हैं, पैन कार्ड ले रहे हैं, उस फर्स्ट पार्टी से जो भी डिटेल्स ले रहे हैं आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। ब्राउज में जो भी फोटोज़ आप स्कैन कर रहे हैं वो यहाँ से आप पुट कर सकते हैं। जो भी जहाँ पे भी जो भी डिटेल्स हैं, आप आधार कार्ड का, पैन कार्ड का, बैक साइड का जो भी फोटोज़ ले रहे हैं वो यहाँ पे करके सेव कर देंगे। ये हमारा क्या रहेगा कि हमारे जो भी गेस्ट की डिटेल है वो हमेशा के लिए सेव रहेगी, और कभी भी हमारे पास कस्टमर रिपीट होता है तो हम जस्ट उसको सर्च आउट कर सकते हैं बाय गेस्ट नेम, सिटी, कॉन्टैक्ट नंबर, किसी के थ्रू भी हम सर्च आउट इसको कर सकते हैं ईजी वे में। कस्टमर कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, सपोज कर लीजिए न्यू दिल्ली से। हम पुलिस रिपोर्ट के लिए हमें रिक्वायरमेंट रहती है तो हमें डिटेल फिल करते हैं। कस्टमर को कौन सा रूम देना है, हमने प्लान कौन सा देना है, अकॉर्डिंग टू प्लान वो प्राइस ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। बस जितने आपके मेल हैं, फीमेल हैं, आए हैं वो आप डालेंगे। पेमेंट मोड में आप देखेंगे हमने हर तरह की फैसिलिटी, आप पेमेंट कैश भी कर सकते हैं, कार्ड से भी, बाय चेक की भी फैसिलिटी हम लोगों ने आप दे दी है कि आप चेक के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। मैं सपोज कीजिए इस पार्टी ने चेक के थ्रू पेमेंट की है तो यहाँ पे आप चेक नंबर डाल सकते हैं, चेक की डेट, कौन सी डेट का आप चेक ले रहे हैं वो भी आप डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं। और यहाँ पे हमारे एक नेक्स्ट स्टेप का फंक्शन दिया है कि आप किस बैंक में अपने चेक ये लगाएंगे, तो वो भी आप जो भी बैंक आपने मास्टर क्रिएट कर रखा होगा वो आप क्रिएट कर देंगे तो उसमें हमारी बैंकिंग भी मेंटेन हो जाएगी। सपोज इन्होंने हमें 1000 का चेक दे दिया और हमने क्या किया, उसको चेक इन कर दिया। चेक इन के बाद उनको तुरंत मैसेज भी चला जाएगा। अगर आप जो आप लोग प्रिंट फॉर्म फिल करवाते हो अपने हार्ड कॉपी, वो भी आपको करवाने की जरूरत नहीं, हमारा सेम टू सेम ही सारा प्रिंट यहीं पे ही निकल जाएगा। आपको कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप साइन कराइए अपने गेस्ट से, बस आपका टोटली जो होटल है वो पूरा ऑलमोस्ट जो है वो डिजिटल हो जाएगा। ये देखिए, जब भी हम कस्टमर को चेक इन कर लेंगे तो जो उसकी लिस्ट है वो हमारे सेंटर में आ जाएगी। कभी भी हमने कस्टमर को रूम सर्विस प्रोवाइड करना है तो हम रूम सर्विस, जो सपोज कस्टमर रुका हुआ है तो हमने इनको रूम सर्विस देना है, तो ये देखिए हम कैश कार्ड, क्रेडिट, ऑर्डर, सभी पेमेंट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। कुछ भी उन्होंने मंगाया है अपने रूम में तो यहाँ पर हम रूम में उनको प्रोवाइड कर सकते हैं हर चीज़। दही मंगाई उन्होंने, एक से प्लस प्रिंट किया तो हमारे पास बिल भी प्रिंट हो जाएगा, ये देखिए प्रॉपरली हर चीज उनका यहाँ पे सारा रिकॉर्ड आ जाएगा। अब
तुरंत ही उनके मोबाइल पे मैसेज भी चला जाएगा। ये देखिए, ये आपका बिल ए टू जेड सारी डिटेल्स। आप केओटी चाहते हैं अपने किचन के लिए, तब केओटी भी हमारी प्रिंट हो जाएगी साथ साथ ही। हमारे पास कस्टमर चेक इन किया, हमने रूम सर्विस दिया, अगर आप लॉन्ड्री सर्विस भी देना चाहते हैं तो लॉन्ड्री सर्विस भी आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ से आप कैसे पेमेंट मोड, उससे क्रेडिट, मोस्टली क्रेडिट ऑर्डर होते हैं, जो भी कस्टमर्स हैं वो जाते हुए ही प्रोवाइड करते हैं पेमेंट, कहते हैं हम जाते हुए व्यक्ति देंगे। जैसे उन्होंने दो कपड़े आयरन के लिए दे दिए हैं, स्टीमिंग के लिए दो कपड़े दिए हैं, जो भी चार्जेस आप लोगों ने लगाए हैं वो यहाँ पे हमारे फिलअप हो रहेंगे। और जस्ट सेव प्लस प्रिंट करके आप कस्टमर को बिल भी दे सकते हैं, तुरंत मोबाइल पे मैसेज भी चला जाएगा, सेव भी हो जाएगा बिल। और ये देखिए, हमारा बिल्कुल इजी टू यूज, बेटर सभी, जो कई बारी होटल में इतने नहीं स्टाफ पढ़ा लिखा होता, नॉर्मल उसको कंप्यूटर चलाना आता है, तो वो भी आराम से अपना डेली का चेक इन चेकआउट सारा कुछ कर लेगा इजी वे में। अब जब भी हमने इनको चेकआउट करना है, चेकआउट पे क्लिक किया, ऊपर ये देखिए चेकआउट ब्लिंक बना हुआ है, कौन सा रूम को चेकआउट करना है हमने यहाँ पर चेकआउट, ये देखिए जितना भी इनका पेमेंट बना, हमने पेमेंट कैसे भी लेना है वो हम डाल सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन, जैसे एक चेक का ऑप्शन दिया है, और दूसरा हमारा न्यू ऐड हुआ है क्रेडिट कस्टमर। क्रेडिट कस्टमर मीन्स टू से कि जैसे कई बारी पार्टियाँ जो है वो ओटीएस से आती हैं, अदर बुकिंग सिस्टम से आती हैं, या जो अदर ट्रैवल एजेंट के थ्रू आती हैं, तो उनका प्रॉपर लेजर बन जाएगा। जिनकी भी डिटेल आपने बना रखी होगी मास्टर में, तो उनके यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे, सपोज कर लीजिए बाकी जो पेमेंट है इन्होंने कहा जी हमारा ट्रैवल एजेंट करेगा, तो हम जो है वो ट्रैवल एजेंट के खाते में सारा पेमेंट डाल देंगे और उसकी प्रॉपर सारी लेजर बनती रहेगी। जस्ट सपोज चेकआउट किया, यहाँ पे हमारे पास तो इन तरह की प्रिंट है, एक तो नॉर्मल अगर कस्टमर कहता है हमें प्रॉपर सारी टोटल प्रिंट दे दो, तो कस्टमर की पूरी डिटेल, बिल नंबर, गेस्ट नेम, एड्रेस, सारी चीज़ें नोट डाउन हो जाएंगी ए टू जेड। अगर कई बार कस्टमर कहता है हमें सिर्फ रूम का बिल दे दो, तो यहाँ पे हम नो पे क्लिक कर देंगे, सिर्फ रूम का बिल आ जाएगा आपको। इजी वे में अगर फिर भी कस्टमर कह रहा नहीं हमें सारा कंप्लीट रूम सर्विस बताओ क्या क्या खाया था, तो आपको यहाँ पे दिख भी जाएगा जो जो उसने खाया होगा, प्रिंट विद डिटेल ये भी आप दे सकते हैं। अगर कस्टमर कहता है मुझे दोबारा बिल दे दो सारे, तो आप सारे दोबारा प्रिंट करके भी दे सकते हैं। सो ये हमारा सिंपल वे में चेक इन चेकआउट का ऑप्शन था। आपको डेली की रिपोर्ट देखनी है, एडिशनल रिपोर्ट पे क्लिक करके ओवरऑल रिपोर्ट डेट वाइज आप यहाँ पे सारी रिपोर्ट सारा मिल जाएगा कि आज के दिन में कितने रिजर्वेशन हुए, कितने चेकआउट, कितने रूम सर्विस, किस किस पेमेंट से कितनी पेमेंट्स आपको आई हैं, बाय कैश कितनी आई है, चेक से क्रेडिट कस्टमर कितने गए हैं, सारी डिटेल आपको इजीली वे में मिल जाएगी। मंथली आपने रिपोर्ट देखनी है, ठीक है, या क्रेडिट कस्टमर की लिस्ट देखनी है कि हमने यार जो भी ट्रैवल एजेंट बनाए हुए हैं उनकी हमें प्रॉपर लेजर देखनी है, तो वो भी आप, जैसे हमने HDFC के अभी पेमेंट किया था उनके अकाउंट में, तो यहाँ पे हम रिपोर्ट भी देख सकते हैं। ये देखिए इजी वे में उनके होता जाएगा सारा क्रेडिट। यहाँ से आपने रिपोर्ट देखनी है चेकआउट की रिपोर्ट मंथली, आप कहते हैं मुझे टैक्स की रिपोर्ट देखनी है, तो यहाँ पे आप सिंपल क्लिक कीजिए, आपको पूरी प्रॉपर रिपोर्ट मिलेगी। आपने जितना मंथली इकट्ठा कलेक्ट किया होगा सारा यहाँ मिलेगा, व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, ये देखिए जितना आपने लास्ट में GST, CGST, SGST लिया होगा सारा टोटल शो हो जाएगा। बाकी आपको सारी रिपोर्ट्स, हर तरह की रिपोर्ट्स यहाँ पे इजी वे में मिलेंगी। पुलिस रिपोर्ट होगी आपकी, ये भी इजी वे में अवेलेबल है हमारे पास, ये देखिए पुलिस रिपोर्ट आपकी, बैंक रिकंसिलेशन रिपोर्ट, बिजनेस सोर्स रिपोर्ट, कैश रिपोर्ट, बैंक रिकंसिलेशन रिपोर्ट, हर चीज़ यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेगी। ये देखिए अगर हम चेक से पेमेंट ले रहे हैं सारा कुछ यहाँ पे दिखाई पड़ेगा।
सारा कुछ यहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट मॉड्यूल मिलेगा। हर चीज़ यहाँ पे आपने रिकॉर्ड सर्च करना है, प्रॉपर रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग मैनेज करना है, यहाँ पे आपको इन्वेंट्री मैनेज करना है, सभी रिपोर्ट्स देखनी है, हर चीज़ प्रॉपरली आपको कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे होटल के सॉफ्टवेयर में मिलेगा। और भी अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो या किसी मॉड्यूल पे वीडियो बनानी है या नहीं समझ आ रहा था, तो हमें प्लीज़ कमेंट करें। हैव अ गुड डे। थैंक यू।